विप्रादिशर गुणजूताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात सपचं वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं नतु भूरिमान। कल हम लोग ये श्लोक प्रहलाद महाराज की स्तुति, कल इस विषय में कुछ आलोचना किया था। ये विप्रा दिशर गुण जूता, उत्तम ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न, द्वादश गुण संपन्न, जैसे भगवद गीता बताए हैं सत्य सम दम तिदीक्षा आर्जव ज्ञानं विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद। ये सब होते हुए भी यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख है, भगवान जो अरविंद नाभ, भगवान का अरविंद पद्मपलाश लोचन, पद्मपलाश हस्त, पदकमलम, भगवान का सब अंग पद्म फूल से तुलना कीजिए, तो भगवान का और एक नाम अरविंद नाम, अरविंद नाम जिसका नाभि से अरविंद पद्म पद्म फूल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी का अधिष्ठान होता है। और एक जगह में अरविंद नाभ ये शब्द आया है, जेन्नेर बिंदाख, ये अरविंदाख, ये अरविंद नाभ। और एक जगह में अरविंद अक्ष, आंख भी अरविंद, पद्म पलाश लोचन। तो भागवत में कहते हैं जे अन्य, अन्य का अर्थ होता है जो भगवत भक्त है ही नहीं, अन्य ज्ञानी जोगी कर्मी, भगवत भक्त और ज्ञानी जोगी कर्मी से अलग, इनका एकमात्र ध्येय है भगवान। अनन्न भा भजते माम अनन्न भा, ज्ञान कर्माद अनावृतम, ये भक्ति है। जैसे गोपी लोग, ये लोग न तो ज्ञानी थे और न तो कर्मी, साधारण गांव के लड़की, बाकी कृष्ण का बहुत अपना, कृष्ण उनका प्राण धन सब कुछ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु बताए हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्ग वीजा कल्पिता। जैसे ब्रजगोपीगण जिस तरह से भगवान की भजना की, उससे बढ़कर कोई और भजन है नहीं। रम्या काचिद उपासना सब उपासना से श्रेष्ठ, क्यों? उनका एकमात्र ध्येय था कृष्ण, और कुछ नहीं जानते। वो लोग कृष्ण से प्रार्थना करती थी कि कृष्ण, बड़े बड़े जोगी लोग आपको चरणारविंद हृदय में धारण करने के लिए अनेक तपस्या करते हैं, और मैं यही चाहते हैं, चाहता हूं कि आप थोड़ा हमारा हृदय से निकल जाइए, हम थोड़ा घर गृहस्थी में मन लगा। वो होता ही नहीं था उनसे, सब समय कृष्ण चिंता। कृष्णा गोचारण में जाते थे, ये लोग घर में बैठ बैठ के
यही सोचती थी जो कृष्ण का पदारविंद कितना कमल है और वो जंगल में चल रहे हैं और उसमें बहुत पत्थर है, किंकर है और कांटा है, उसका चरण में जरूर लगता है, उनको जरूर तकलीफ होता है, यही सोच सोच के घर में रोती। यही धारावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जंग योगी, ये सबसे बढ़िया योगी जो कि हर तरह से केवल कृष्ण पदारविंद चिंतन करते, सबई मना कृष्ण पदारविंद, यही सर्वश्रेष्ठ योग क्रिया है कि सब समय कृष्ण का पदारविंद हृदय में धारण करके चिंतन करना। इसलिए चैतन्य महापुर कहते हैं रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भी जा कल्पिता, क्योंकि उनका यही एकमात्र काम था केवल कृष्ण का चरणारविंदन चिंतन बस, इसलिए उनसे बढ़कर का और कोई उपासना नहीं कर सकते। और भगवान खुद भी कहते हैं भगवत गीता में कि योगी नाम अपि सर्वेषां मदगत अंतरात्मना सद्ध्यावान भजते जो मां समय युक्त तनो, वो सबसे बड़े योगी कौन, योगी सब समय अंतरात्मना हृदय में केवल मुझको चिंतन करता है, यही योग है। केवल आंख बूंद के बैठ कर रहने से वो एक प्रक्रिया है, कभी भगवान का चरणारविंद ध्यान में आएगा, बाकी असल जो योग सिद्धि है वो कृष्ण का चरणारविंद सब समय चिंतन कर। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन्ने तदर्पित मन वचने हिता, ये जो यदि कोई सपोज स्कूल में भी जन्म लिया है परंतु सब समय कृष्ण का चरणारविंद मन में ध्यान करते हैं, मन्ने तदर्पित मन, तदर्पित भगवान के केवल मन को अर्पित कर दिया, मन तो कुछ चिंतन करेगा, एक सेकंड भी कोई चिंतन करते हुए मन नहीं रखता, इसलिए मन को लगा देना चाहिए भगवान का चरण का चिंतन। मनमना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुर, यही योग है। मनमना भव मद भक्त, भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा विषय चिंतन करो, भगवान का रूप चिंतन करो, भगवान का गुण चिंतन करो, भगवान की लीला चिंतन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, यही भक्ति मार्ग। श्रवणम कीर्तनंग विष्णु स्मरणंग पाद सेवनम अर्चनंग वंदनंग दास्यम सखम आत्मनिवेद, ये जो कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, पृथक नहीं है, पृथक नहीं है, यदि कोई पृथक समझे उसको नाम अपराध है, दस विधा नाम अपराध है, यदि नाम को कोई शुभ क्रिया समझे वो भी अपराध है, और दूसरे देवता का नाम और भगवान का नाम एक है अगर ये कोई समझे तो नाम अपराध है। बहुत से कहते हैं हरे कृष्ण बोलो और कुछ देवता का नाम बोलो सब एक, नहीं ये नहीं, क्यों शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम सवनंग कीर्तनंग विष्णु का, ये बताया नहीं और कोई देवता का नाम, ये गलत बात है, भगवान का नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवल, भगवान का अनेक नाम है, राम निशिंग बराह कृष्णा नारायण अनेक प्रकार नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हम लोग सब जानते हैं वो नाम, राम नाम कीजिए कृष्ण नाम कीजिए और जो भगवान का नाम सब शास्त्र में बताया वो नाम,
और वो नाम है भगवान की सब शक्तियां है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महापुरुष बताए जो नाम और नामी एक ही वस्तु, कोई फर्क नहीं। जब अब हरे कृष्ण नाम शुद्ध, हरे कृष्ण शुद्ध का अर्थ होता है जो नाम को जिस साधारण शब्द सामान्य अगर हम लोग समझे तो वो नाम अपराध युक्त। नाम जप करने के लिए तीन अवस्थाएं होते हैं, एक तो अपराध युक्त और एक अपराध मुक्त और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से भगवत प्रेम होता है और अपराध शून्य नाम से मुक्ति होती है, और अपराध युक्त नाम में दुनिया का सुख दुख होता है। ये शास्त्र में विचार साम शुभ क्रिया मति प्रमाण। भगवान का नाम जो कोई अशुभ है संसार में, संसार तो अशुभ है ही है, तो अशुभ नाश नाम नाश करने के लिए भगवान का नाम लेने से अवश्य अशुभ नाश हो जाता है, बाकी वो अपराध हुआ शुभ क्रिया, क्योंकि उसमें नाम में प्रेम नहीं है। जब तक अशुभ अवस्था प्रस्तुत है नाम करते हैं फिर नाम को छोड़ देता है, इसलिए अपराध। जो नाम को अपने सेवा में लगा, भगवत भक्ति जो है वो भगवान की सेवा में अपने को लगा देना, भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं चाहिए, ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। भगवान को सब कुछ दो और भगवान से कुछ ना मांगो। और विद्या भक्ति जो है ज्ञान कर्म द्वारा वो कुछ चाहते हैं, जो भगवत भजन करके कुछ सुविधाएं मांगते हैं, ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं। और जब तक हमारा मांगना ये विचार रहेगा तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। चैतन्य चैतामृत इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत और अशांत, अशांत कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति जो दुनिया को भोग चाहते हैं कर्मी, कर्मी का केवल यही चाहते हैं जो हमारा किस तरह से खूब अच्छी तरह से भोग मिले, स्वर्गों में भोग मिले और कहीं भोग मिले और कहीं भोग मिले, इधर भी खूब भोग मिले, ये कर्मी का विचार है। अगर भगवान को कोई भोग दुनिया का भोग के लिए ही भजन करता है वो भी ठीक, क्योंकि कभी उसको भगवान का चरण मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज कोई दुनिया का भोग के लिए भगवत भजन किया, परंतु जब भगवान का दर्शन मिला असल चीज, तो फिर वो बोलता है जब भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, चामिन कितार्थोस्मी बरंग न जाच, हमको और कुछ बर मांगे। तो ये भगवत भजन करने से यही लाभ है। अगर आप दुनिया का कोई चीज चाहते हैं इसलिए भगवत भजन करते हैं तब भी ठीक है, वो ठीक यद्यपि नहीं है बाकी शुरू शुरू में वो भी ठीक। क्योंकि भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृति न अर्जुन, चार प्रकार के व्यक्ति जो पुण्यवान है वो हमारा भजन शुरू कर, कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त जो दुखी है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बहुत दुखी है हमको थोड़ा कृपा कीजिए, वो भी ठीक क्योंकि भगवान का पास आया ना। और जो दुष्कृति ना है ये सब सुकृति ना, चतुर्विदा भजन्ते मां सुकृति न अर्जुन, सुकृतिवान, सुकृतिवान माने अर्थात जो जिसको कुछ पुण्य है, जो कुछ पुण्य कार्य किया है, किंतु पुण्य कार्य किए हुए बिना किए हुए भगवत भक्ति नहीं हो सकी।
जेषाम अंतर्गत पापन जनानाम पुण्य कर्माण ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ते मांग दीर्घ दृढ़ भजन। जो भगवान ही एकमात्र भजनीय है, जैसे चैतन्य चैतामृत कह रहे कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, केवल भगवान कृष्णचंद्र का भजन करने से हमारी सब सुख मिलेगा। ये विवेचना, ये बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा, असल श्रद्धा। अरे भगवान को भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, और नहीं ये विचलित है, ये शुद्ध भक्ति नहीं, विद्या भक्त। चाहिए शुद्धा भक्त, शुद्धा भक्ति अनअडल्टरेट, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृत आनुकूल्यन कृष्णानुशूलन भक्ति उत्तमा, ये उत्तमा भक्ति है। किसी प्रकार अन्नाभिलाष में दुनिया का कुछ भोग मांग लेंगे भगवान से, गॉड हैज गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गॉड गिव अस, ये निम्न स्तर का भजन है। अरे भगवान सुअर कुक करके रोटी देता है, तुमको क्यों नहीं देगा, इसके लिए क्या भजन करने का है? वो तो देता है भगवान, भगवान अगर खाने को नहीं देता कोई खा सकता है क्या? नित्य नित्यानां चेतनस चेतनानां एक बहुनाम विदधाति काम, जो कुछ हम लोग चाहते हैं सब भगवान देते हैं। इसलिए हमको जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ता, क्योंकि हमारा वासना बहुत है, एक का बाद एक, एक का बाद एक, तो वो सब रिकॉर्ड रहता है। वो सूक्ष्म शरीर में जैसा टेप रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड रहता है, वो आस्ते आस्ते एक का बाद वो आप श्रवण करते हैं। इसी प्रकार सब चीज जो कुछ हम लोग वासना करते हैं वो सब हृदय में मन बुद्धि अहंकार में वो जो टेप है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। वो फिर आता है एक का बाद। भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हम अनेक प्रकार वासनाएं हम करते हैं, इसलिए हमको अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये वासना को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जीवात्मा है, इच्छा वासना तो जरूर रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये जो कहते हैं कि वासना छोड़ दो, वासना छोड़ देने से तो वो पत्थर हो गया, पत्थर का कोई वासना नहीं है। जो जिंदा है, जीव है, उसकी वासनाएं हो, वो वासना को पवित्र करना चाहिए। वासना छोड़ने का तो हो नहीं सकता, ये संभव है नहीं। वासना अगर हम छोड़ दिया तो हमारा जीव का जो हम जो जीवित वस्तु है फिर हमारा रह गया क्या? नहीं। इसलिए जो शास्त्र में बताए हैं निर्म तत्पर तेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर तेन निर्मलम। अभी हम लोग वासनाएं करते हैं, जैसा हम लोग देश का भक्त होते हैं कि हमारा देश की उन्नति हो, कि हमारा जो फैमिली है परिवार है उसको नहीं उन्नति हो, कि हमारा शरीर का उन्नति हो, ये अनेक प्रकार है वासना। ये जितने वासना है ये सब उपाधि युक्त वासना, क्योंकि मैं एक शरीर धारण किया है जिसका नाम है भारतीय, इसलिए हमारा वासना है सब भारतीय कल्याण के लिए। तू वो सब भौतिक वासना है, मैं चाहे जितना बड़ा नेशनलिस्ट देशभक्त है, वो देशभक्त होने से हमको देशभक्तों का जो मिलना है वो मिलेगा, मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, बाकी उसमें भगवत भक्ति नहीं होगी, भगवत भक्ति और चीज है। इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनुन्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, कोई उपाधि की वासना नहीं, शुद्ध वासना। शुद्ध वासना क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम,
ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनं भक्ति रुच्यते। शुद्ध वासना ही है जो भगवान आपका चरण में किस तरह से मैं सेवा कर सकूंगा, ये शुद्ध वासना। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है हे हरे, हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान, तो हरे कृष्णा हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविध श्रीयते साभावित ज्ञान बल क्रिया च, ये वेद मंत्र है। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्म नाम की देह भेदो गतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण चैत। ये जो राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति अल्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है ये स्वरूप शक्ति। तो हरा का अर्थ होता है ये भगवान की अल्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे, हे हरा, हे भगवान की अल्लादिनी शक्ति, और हे कृष्णा, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा, हे हरा, हे रामा, हे हरा, मुझे आपको सेवा में नियुक्त कीजिए। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। क्यों हम लोग सेवा में नियुक्त है? इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है, कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है, किसका कुछ भी है नहीं, तो कुत्ता पाल लेता है उसके सेवा में नियुक्त है, तो नियुक्त तो रहनी पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सकते। बाकी ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होता। देखिए गांधी जी कितना सेवा की देश का, उसको गोली से मार दिया, गोली से मार दिया। देखिए दुनिया का सेवा ऐसी है, आप किसी को सुखी नहीं कर सकेंगे। मतलब गांधी जी के बढ़ के देश का सेवा कौन कर सकता, पर कोई भी असुखी था जो कि उसको गोली से मार दिया। इसलिए निश्चित है कि दुनिया का आप जितना ही सेवा कीजिए, जिसको आप सेवा कर रहे हैं वो भी सुखी नहीं होगा और आप भी नहीं सुखी। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमारी सेवा में आओ तभी सुखी हो, नहीं तो नहीं सुखी हो। इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना, निर्विशेष शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो भक्ति, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की वृत्ति है कि देश का सेवा करो, समाज का सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो, ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के ना ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुच, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, सेवा तो मैं इंद्रिय से ही हाथ पैर से ही करता हूं, आंख से कान से, तो यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन है,
मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वह है, ये उपाधि छोड़ दीजिए। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्त पद कमल उदास उदास अनुदास, ये परिचय होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सब नहीं नहीं कर दिया। सब जो हमारा जो वर्णाश्रम है, चार वर्ण आश्रम, ये चैतन्य महाप्रभु बता दिया, ये सब उपाधि है। हाँ, इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान का, सब उपाधि धर्म छोड़ो। हाँ, ये जो हम मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कुछ धर्म तो है, सत्य सम दम तिथि खादि। हाँ, क्षत्रिय का कुछ धर्म है, हाँ, ईश्वर भाव युद्धि च पलायन, क्षत्रिय लड़ाई करके देश को रक्षा करेंगे। हाँ, और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है किसी गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, इसी प्रकार शूद्र का भी है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सभी का, शास्त्र में सब बताए अलग अलग किस तरह से अपना अपना काम धर्म का जाजन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ होता है कि तू उपाधि शून्य हो जाओ, उसके नाम है मुक्ति। उपाधि शून्य, तू उपाधि शून्य होने की मैं निराकार हो जाता है नहीं, ये जो हम लोग समझते हैं मैं ये है ये है, इसको छोड़ दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ना हम विप्र नरपति न ज्योति बा, तो फिर आप क्या है ना, गोपी भक्तु पद कमल दास दास अनुदा। वो जो गोपी लोग की भक्ता है कृष्ण, जो गोपी लोग को पालन करते हैं, गोपी जन बल्लभ, कृष्ण का काम है गोपी जन बल्लभ, गोपियों की सुविधा। जैसे गोपी लोग चाहते हैं किस तरह से भगवान की सुख हो, कृष्ण भी चाहते हैं किस तरह से गोपियों का सुख, इसलिए उसका नाम है गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। भगवान गिरिराज को धारण किया क्यों, गोपियों के सुविधा के लिए। गोपी लोग परेशान हो रही कि बहुत बादल है, बहुत वृष्टि हो रही है, ये लोग सब परेशान है, कुछ परा नहीं, हम तुमको रक्षा करें। हाँ, तो जैसा भगवत भक्त चाहते हैं भगवान किस तरह से सुखी रहेंगे, इसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं भगवान का भक्त किस तरह से रहे सुखी। कौन ते आप्रदिजानी ही नमे भक्त प्रणस्ति, भगवान सबके लिए समान है, भगवान कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। समोहं सर्वभूतेषु नमे देशस्ति न प्रिय, भगवान का कोई देश नहीं, भगवान है वो किससे देश करेंगे, किससे मित्रता करेंगे, सभी को पालन करना है, एको बहुना विदधा अधिकार, उसमें भी जो भगवत भजन करता है उनको ऊपर विशेष कृपा, उनको ऊपर विशेष कृपा। जेतु मांग भजंती प्रीत्या तेषु ते मई, उनसे भगवान से कुछ अलग संपत्ति, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। इसमें भगवान का दोष नहीं, निरपेक्षता ही है। परंतु जो भगवान को ज्यादा चाहते हैं, भगवान अगर उसको ज्यादा चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, ये स्वाभाविक है। जी जथा मांग प्रबंधन देता सतुयो, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान भी उनसे प्रेम करता है। तो ये उपाधि शून्य होना चाहिए। सेवा वृत्ति हमारी तो है ही है। बाकी सेवा किस तरह से मैं करता हूं, ये हाथ पैर से करता हूं, इंद्रिय, ये इंद्र को शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम, ऋषि के न ऋषि के सा सेवनम भक्ति रूप, ऋषि के न, भगवान का नाम है ऋषिकेश,
असल में भगवान ही इंद्रिय का मालिक है। हमारा जो हाथ पैर है ये थोड़ा ही हमारा है, ये तो भगवान का है। अर्थात जैसा नौकर चाकर रहता है, उसका हाथ पैर किसके लिए है? मालिक के लिए। इसी प्रकार हमारा जो हाथ पैर है ये तो भगवान के लिए है। बाकी मैं लगाते हैं दूसरे काम में, मैं भगवान में नहीं लगाते हैं और दूसरे काम में लगाते हैं, इसीलिए हमारा दुख है। हमारा कोई नौकर है हमसे पैसा ले और दूसरे का कोई नौकरी करे, उसके सुविधा के लिए चले जाए, तो वो नौकरी कितना दिन चले, कभी तक कहां तक वो सुखी रहे, यही हमारा विपद है। तो जो कुछ हमारा शरीर में है सब भगवान की दिया हुआ, और मैं लगाते हैं दूसरी सेवा में, भगवान की सेवा में। इसका नाम है बद्धावस्था, बद्ध जी वो माया से, क्योंकि सेवा हमको करनी पड़ेगा, ये तो भगवान की सेवा नहीं तो माया की सेवा। अगर भगवान की सेवा छोड़ देता हूं तो माया की सेवा, और माया की सेवा नहीं करता हूं तो भगवान की सेवा, सेवा हमको करनी पड़ेगा। जैसा कल हम लोग जेल में गया था, वो जेल में कौन गया है? जो राजा गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता है वो उसको जेल में भर्ती किया गया, तो उधर भी जेल का कानून गवर्नमेंट का कानून है और जेल का बाहर में भी गवर्नमेंट का कानून है। तो जो कदम गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता हूं तो उसको बोलता था इधर आओ, जबरदस्ती तुमको मनाया जाएगा। इसी प्रकार जीव जो है वो तो भगवान का अधीन वस्तु है, वो अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो माया का सेवा करो, और यदि माया का सेवा में तुम्हारा सुख नहीं मिलता है तो भगवान की सेवा करो। सरल बात है, सरल बात है, इसमें कोई दैवी जी सा अगुणमयी ममो माया दुरुत्तया। जब तक आप भगवान की सेवा में नियुक्त तो नहीं होंगे, माया आपको तकलीफ देगा, खूब अच्छी तरह से सेवा करा लेगी, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार शरीर आपको देंगे, अनेक प्रकार जगह में ब्राह्मण जंतरा रूढ़ानी माया है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठत्, ब्राह्मण सर्वभूतानी जंत्रा रूढ़ानी माया। ये जो एक जंत्र है गाड़ी, जैसे आप लोग मोटर गाड़ी चढ़ के इधर उधर घूमते हैं, ये भी एक मोटर गाड़ी है शरीर। अनेक प्रकार किसी का फोर्ड गाड़ी मिला है, किसी का और कुछ मिला है, कुछ मिला है, अनेक प्रकार गाड़ी है, इसी प्रकार अनेक प्रकार शरीर है। तो हम लोग जैसे जैसे भोग करने को चाहता हूं अपना कर्म से, भगवान मौका देता है, अच्छा चलो ये गाड़ी में चढ़ो, ये सुअर का गाड़ी में चढ़ो और खूब गु खाओ, ये भगवान की इच्छा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।